अगेन एंड हमारी फैमिली इस बार हमारे साथ जा रही है. पहले हम अकेले गए थे और इस बार भी हम वहां से कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, मस्ती सब दिखाएंगे आपको. फिर से ये रहा दीपांशु, रेडी. सबसे पहले तैयार होकर बैठ जाता है. कहीं तो अभी हम दिखाते हैं, हमारी दूसरी कार आई नहीं है, सो वी आर वेटिंग फॉर अनदर कार. सो फिर हम मिलते हैं, आपको पूरा दिखाते हैं व्लॉग को, एंड तक देखना. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अभी कर दो, अभी हिट लाइक, बाय. हमें वैसे तो कल जाना था सुबह मॉर्निंग में, बट एकदम से सडनली प्लान बन गया कि हम आज शाम को ही जा रहे हैं. सो अभी मिलते हैं, मैं नीचे जाती हूँ और फिर उसके बाद कार में मिलते हैं, बाय. तो राजा दीपांशु को बाय नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, उसे बहुत याद आएगी. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Guys, तो रास्ते में हमने stop लिया है थोड़ा सा, ढाबे पे थोड़ा थक गए थे तो कुछ खाने के लिए. हमारी family वहाँ बैठी है, सब लोग वहाँ बैठे हैं. बहुत देर बाद गाड़ी से निकले फिर से, और हम जस्ट ही पहुंचे हैं अभी. हम 6:30 बजे के निकले हुए, अब 11 बजे पहुंचे हैं क्योंकि ट्रैफिक था थोड़ा बहुत. और अब हम लोग शायद सो जाएंगे या थोड़ा सा कुछ करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, और अगर हम सो गए तो उसके लिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह. मैं कर रखा है हो रहे हैं गाइस, और हमें सुबह उठना है 4 या 5 बजे, और इनका गेम चल रहा है. ये गेम खेले जा रहे हैं, लगातार खेले जा रहे हैं, दीदी कर रहे हैं, और हम सारे टेरेस पे सो रहे हैं क्योंकि नीचे बहुत गर्मी है. सो मैं आपको दिखाती हूँ ये गेम कैसे कैसे बैठ के खेल रहे हैं, देखिए. और यहाँ पे ये पागल लड़की लेट चुकी है. हेलो हेलो, वेक अप वेक अप. देखिए ये से फिर परेशान करने. तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो 5 बज रहे हैं, मैं मुंह धो धो के जाग रही हूँ, और चीनू ऑलरेडी सो रही है. अब हम थोड़ा चेंज करेंगे, नहाएंगे, फिर हम मिलते हैं, फिर हम बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, बाय. तो हम तैयार हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने. एक्चुअली हम इसी पर्पज से गाँव आए थे. सो अब हम मिलते हैं प्रसाद चढ़ा के. यहाँ हमारी दीदी हैं, वो पगा फोटोग्राफी करती रहती है सर. और हमारी बीस्ट खड़ी, और अब हम निकलते हैं, चलो हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम जा रहे हैं, बाय. तो
यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है, बहुत क्राउड है, और तो हमने प्रसाद वैसे चढ़ा दिया है एक जगह, दूसरी जगह हम थोड़ी देर में जाएंगे, शायद रात को या शाम को, और अब हम कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं जाके, लेट्स गो। सो हम कोटद्वार पहुंच चुके हैं एंड वी आर स्टक हियर। हम फंस चुके हैं ट्रैफिक में, मतलब कि यहाँ पे चेकिंग हो रही है सो देखते हैं कि क्या होता है। वैसे तो यहाँ बहुत ट्रैफिक हो रहा है, बट यहाँ पानी आ रहा है बहुत ठंडा ठंडा, और यहाँ पे रोड साइड पानी है। बस आ गए पापा भी कुछ भी, यहाँ भैया हमारे केला खा रहे हैं अकेले अकेले, अभी दिख नहीं रहे, थोड़ा आगे जाके दिखेंगे। सो आई विल शो यू एवरीथिंग, तो मिलते हैं। हल्की बारिश आ गई है और बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा। अब हम आगे ही मिलेंगे, पता नहीं कहाँ भी क्या ही हो रहा है हमारे साथ। तो जितनी धीरे धीरे ट्रैफिक चल रहा है मैम चीनू आगे तो गाइज हम पहुंच चुके हैं, और ये यहाँ का व्यू प्लस ये हमारे भैया का घर, ये बहुत ही अच्छा है। और हम आपको जरूर अंदर से दिखाएंगे थोड़ी देर में। वो रहा दीपांशु, मौसम बहुत ही अच्छा है, और यहाँ से ना माउंटेन्स दिखते हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर। गाइज मैं अभी छत पे आ गई हूँ, थोड़ा सा चीनू नीचे ही है, पता नहीं वो करके आ रही है। यहाँ दीपांशु है और बस इधर माउंटेन्स हैं, इधर माउंटेन्स हैं, बट ना मौसम की वजह से थोड़ा ना बादल बादल आ गया, बट कितना मस्त लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग मौसम हो रखा है, हवा। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे क्योंकि हम लोग बहुत सुबह के जागे हुए थे, फिर हमने खाना वाना खाया और अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने। और हम कहाँ घूमने जा रहे हैं वो हम आपको रास्ते में या फिर वहाँ पहुँच के बताएंगे। सो लेट्स गो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं सिद्ध बलि मंदिर। एज यू कैन सी हम यही आना था, हम आपको सरप्राइज दिया, अभी एक सरप्राइज और बचा है वो और दिखाएंगे। तो चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको इंटीरियर मंदिर का। Bye.
थक चुके हैं, एक भी नहीं है जो नहीं थका। और ये देखो इन्हें, ये फोटो शूट कर रही है इनका, ये इनकी चक लेने थकने के बाद शक्ल बनाइए भाई साहब। गाइस फाइनली हम वहीं पे प्रसाद चढ़ाने आ गए हैं जहाँ से हम सुबह वापस गए थे, कोर्ट के देवता पे प्रसाद चढ़ाने आए हैं। एंड बहुत सही वेदर हो रहा है, वो वीडियो क्यों नहीं बनाई थी वाली। अभी हम आपको कुछ चीज दिखाएंगे जो कि बहुत हिलेरियस है। सो गाइस एज यू कैन सी व्हाट इज दिस, ये सारा प्रसाद है और लोग ऐसे फेंके गए हैं जैसे कि ये कुछ भी नहीं है। और अभी तो आप बाहर का हाल देखना कि बाहर क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, लाइक रियली शिट। लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं एनवायरमेंट के साथ, मतलब भक्ति के नाम पे ये तो पोल्यूशन फैलाना हो गया एक तरह से। हम फिर से अपनी नानी के घर आ गए हैं और अब हम फिर से ट्रिपल राइडिंग पे जा रहे हैं अपनी बहन के साथ और चलते हैं फिर, और हम मिलते हैं आपको राइडिंग पे और फिर हम क्या क्या करते हैं वो भी दिखाएंगे, फिर हम अपनी दादी के घर जाएंगे। बाय। निकले तो हैं, बाकी अंधेरा हो रहा है वहाँ पे बिल्कुल। हमारी नानी हमारा फुल ऑन साथ देती है, नानी इज द बेस्ट। ये रही नानी हमारी। नानी इधर देखो, नानी इधर देखो जल्दी। तो नानी हमारे साथ है और हम जाएंगे कुछ खाएंगे और क्या खाएंगे वो हम दिखाएंगे और किसी को तो पता ही नहीं है, तो चलते हैं जल्दी। तो गाइस हमें रात को बस ऐसा ही कुछ मिला और अब ये हम खा पी के फिर अब दादी के घर जाएंगे और फिर हम वहाँ जाके दिखाते हैं हम वहाँ क्या क्या करते हैं, फिर हम यहाँ फिर सो जाते हैं क्योंकि रात तो हो ही चुकी है। बाय।